हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जांपल। एही वीडियो रे आमे जूनियर टीचर स्कीमाटिक रिक्रूटमेंट रो कोन कोन गाइडलाइंस अछि ता बिषय डिटेल एनालिसिस करिवा, एंड एही वीडियो देखिला परे आपण मानको का कॉल करि पचारिया को पड़िबा नि जे कोन गाइडलाइंस अछि, एनएसपी एनएसपी लंग अलाउ करा गला कि नाही, किंबा डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्टिंग हो कि स्टेट वाइज पोस्टिंग हो। सो फास्ट स्टार्ट करिवा, एही पेज बेसी किछ दिया हैनी, बेस दिया है या कि को रेगुलेशंस अनुसार से माने रिक्रूटमेंट दोउछन्ति। फर्स्ट इंपोर्टेंट जिस देखा जो शिक्षा सहायक पोस्ट जहाँ आगुला जूनियर टीचर स्कीमाटिक रो नेमिंग दिया है, एंड इंपोर्टेंट जिस तीन वर्ष पर आप जूनियर टीचर स्कीमाटिक रु जूनियर टीचर को कन्वर्ट हो जाए, एंड तापर नेक्स्ट तीन वर्ष पर अर्थात छ वर्ष रिक्रूटमेंट पोस्टिंग छ वर्ष पर आपण मैंने रेगुलर एलिमेंटरी ग्रेड को प्रमोटेड हो जाए, एंड एनसीटी गाइडलाइंस को फॉलो कराई जमीक क्लास वन रु फाइव जाए गोटे गाइडलाइन, एंड क्लास सिक्स सेवेन गोटे गाइडलाइन फॉलो कराई, एंड ये क्लियरली मेंशन अच्छे आप देख पारे जे हाइलाइट कर एनसीडी रिसेंट गाइडलाइंस एंड जजमेंट ओके डेटेड ऑन 11/8/2023। सो ये जजमेंट को फॉलो करके गाइडलाइंस बाहर करमती आगुरी गाइडलाइन थी जे बीएड पिला अलाउ करा पीआरटी पोस्ट जूनियर टीचर पोस्ट से अलाउ करना, एंड ए मेंशन कराई जे गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ओके। सो OTET जो आम कंडक्ट करा जाए सेटा पास करिया माने बाध्य को सब्जेक्ट पाई बा को सेक्शन पाई जेम क्लास 1 रु 5 पाई पेपर 1 एंड क्लास 6 7 पाई पेपर 2 ओके। नेक्स्ट देखिबा कोन आउ रिजोल्यूशन से अछि, ऑनलाइन बेस्ड ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हबो, देन कहै छी जे क्लास 1 टू 5 एंड क्लास 6 7 अंडर समग्र शिक्षा प्रोग्राम रे बा एलिमेंटरी एजुकेशन से रिक्रूटमेंट दिया। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पेज इंपोर्टेंट कौन अच्छी, ओसेपा ऑन बिहेव ऑफ स्कूल मास एजुकेशन एसएमई डिपार्टमेंट विल पब्लिश एन एडवर्टाइजमेंट इन वाइडली सर्कुलेट ओडिया एंड इंग्लिश न्यूजपेपर। आपन को इनफॉरमेशन तो मिली जाए, यूट्यूबर मैंने समस्त इनफॉरमेशन दे ही दूसरी, सो आप इनफॉरमेशन पाई आम चैनल इनफॉरमेशन आपे। इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, सो एप्लीकेशन फॉर्मेट ऑनलाइन हम ओके जो मैंने एलिजिबल कैंडिडेट, एंड डेट टाइम डेट टाइम से एलिजिबिलिटी जो एडवर्टाइजमेंट मेंशन करा है जे डेट केबे स्टार्ट हबो एंड केबे एंड हबो ओके। लास्ट डेट सबमिशन रो केबे थिबो, देन जो माने ओसेबा वेबसाइट को भी विजिट करे से माने डिटेल पाई परबे जेमि डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट केते अछि, केते नंबर ऑफ वैकेंसीज अछि, केते कैटेगरी वाइज वैकेंसी अछि, रेम्युनरेशन एडमिसिबल फॉर द पोस्ट, सो जहां भी जणा पड़ू छि केते टका सैलरी मिलिबो से जिनसा भी सबसे मेंशन करा जीवो। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस पूर्व घूरी बुलू यूट्यूब एंड आप थी किसी सिलेबस बट स्टिल ऑफिशियल सिलेबस को नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट सिलेबस को फोकस करिया कौन से दिन सिलेबस आसुची, देन डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन, कौन कौन डॉक्यूमेंट आमको दरकार से जिन भी वेबसाइट आम पाई पार, एंड जदि गवर्नमेंट किसी स्पेशल रिजोल्यूशन अच्छे से गुडा को भी पाई, देन मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहिबो, ऑनलाइन मोड रे एग्जाम भी हबो, ऑनलाइन मोड रे अप्लाई भी करिया को पड़ियो, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो एटा सब इंपोर्टेंट जिनस जे को माने एलिजिबल इंपोर्टेंट आपण माने देखि रखंतु जे से फास्ट को होची एलिजिबल को माने द कैंडिडेट सिक्योरिंग परसेंटेज ऑफ मार्क इन द एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज पर द एलिजिबिलिटी मेंशनड बिलो। सो एलिजिबिलिटी फास्ट देखिबा कोन ना हायर सेकेंडरी अर्थात प्लस 2 एंड इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलिस्ट 50% मार्क। सो प्लस 2 रे किंबा तार इक्विवेलेंट जो एग्जामिनेशन से 50% मार्क रखिथिबे, बिलो 50% मार्क रखिथिले से मानको अलाउ करा जीवो नाही, जोडा ए कैटेगरी रे कोच, एंड 2 इयर डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन। सो एटु मु काहे की मेंशन करली 2 इयर, देखंतु गोटे 18 मासिया बा एनआईएस कोर्स से 18 मंथ रो डीएलईडी थिला, सो से मानको ए फर्स्ट ऑप्शन अनुजाई अलाउ करा जाय नाही, देन नेक्स्ट ऑप्शन देखियो अलाउ करा जाय छि कि नाही। सो हायर सेकेंडरी प्लस 2 हेगला देन इट्स इक्विवेलेंट एटलिस्ट 45 मार्क्स, सो तार इक्विवेलेंट किंबा 45 मार्क्स रखी थी किंबा 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन ओके। सो हायर सेकेंडरी किंबा तारु इक्विवेलेंट जदि आपण 45% मार्क रखिछंती एंड 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन करिछंती देन आपण एलिजिबल, देन हायर सेकेंडरी एंड इट्स इक्विवेलेंट विथ 50% मार्क एंड 4 इयर डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन ओके। सो ये जोटा कि बैचलर इन एलिमेंटरी एजुकेशन जो सही कोर्स भी आपड़ करेंगे जोटा कंबाइन वाला गोटे बैचलर बीएससी हम कि बीए हम विथ से एलिमेंटरी एजुकेशन आड होते, देन हायर सेकेंडरी एंड इट्स इक्विवेलेंट
with 50% mark and 2 year diploma in special education. ओके सो आपण जे डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन करछन देन आपण माने भी एलिजिबल बट आपण एठी देखंतु एटा एठी लास्ट क्राइटेरिया रहे जे ग्रेजुएशन करथिबे एंड 2 इयर डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन बाय व्हिच एवर नेम यू नोन सो एठी आपण जदि ग्रेजुएशन करछन देन आपण परसेंटेज मे भी कैलकुलेशन करा जीवन है से रिगार्डिंग किछि क्लैरिटी दिया हैनी जेतु और रखाई छि सो मु भाबिली जे मु जति अंडरस्टैंड करली जे सर जे ग्रेजुएशन जे करथ ताकु परसेंटेज मे भी दरकार पड़िबो नाही एंड ये आप देख पार्थे टू इयर्स लिखाई ओके टू इयर्स फोर इयर्स टू इयर्स एंड एट जिन कोड ही मेनसन कराई जे डिस्टेंस मोड कि रेगुलर मोड किसी मेनसन कराई बट इयर लिखाई एंड आप जानते जे एनआईएस 18 मस कोर्स टू इयर्स कोर्स नुह सो से आलाउ कर इंपोर्टेंट जिन ओटीटी पेपर वन आपने पास कर दरकार ओटीटी पेपर वन नेक्स्ट देखा कैंडिडेट मस्ट हैव एमआईएल जो मैंने क्लास 10 पर्यंत एमआईएल दीच आम जनरली ओडिया मीडियम पिला क्लास 10 पर्यंत एमआईएल दी था एंड जो मैंने सीबीएसई पिला से माने कौन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी तरफ जो एग्जाम कंडक्ट हुए बारंबार ईयर प्रतिवर्ष दी थर लेखे मे बी एग्जाम कंडक्ट हुए जो मैंने मैंने नॉर्मली पिला एटा क्वालिफाई कर दे था सो कैटेगरी टू जो मैंने क्लास 7 रु क्लास 6 एंड 8 क्लास 6 7 8 तीन टाक क्लास को पढ़े से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन एंड टू इयर डिप्लोमा ओके सो टू इयर आप देखते देन एटलिस्ट 50% आइदर इन ग्रेजुएशन और पीजी पीजी कि ग्रेजुएशन 50% सो ग्रेजुएशन 50% होता दरकार कि पीजी 50% होता दरकार एंड सहित बीएड कर दरकार देन ग्रेजुएशन विथ 45% मार्क एंड 1 year बैचलर इन एजुकेशन ओके रिकग्नइज बै एनसीटी सो एनसीटी अप्रुवाल रहा दरकार निहाती कहीं ना आप एनसीटी अप्रूवल धर आप ओडिशा बाहर बीएड कर तो एनसीटी अप्रूवल दरकार जी आप इंस्टिट्यूट एनसीटी अंडर में जा ना ओडिशा गवर्नमेंट तक अप्रूवल करें ओके सो एनसीटी आप कौन करेंगे ना ओटीपीआरएमएस गोटे सर्टिफिकेट मिलूँ जो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आप देखिए इंस्टिट्यूट वेरीफाइड कि ना से सर्टिफिकेट आप दरकार पड़ो एंड से जिनसा मेनसन भी कराई मुझे गोटे थर गो थ्रू करी नोटिफिकेशन दैट टाइम जानी से जिन दरकार पड़ो आप एंड जो मानक ओटीपीआरएमएस सर्टिफिकेट दरकार से भिडियो डिस्क्रिप्शन में देदेवी तरह लिंक यूट्यूब लिंक देदेवी आपई भिडियो देखिए आप अप्लाई करेंगे एंड मुझे निजर पर्सनाली अप्लाई करी मोर पर सक्सेसफुली आसी जाइए आप प्रोसेस फॉलो करूँ आप मानते आप 100% ग्यारंटी आप सक्सेसफुली से क्वालिफाई करें से सर्टिफिकेट आप आसी जापर हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एंड इट्स इक्विवेलेंट एटलिस्ट 50% मार्क एंड 4 year बैचलर्स इन एलिमेंटरी एजुकेशन सो 50% प्लस टू रखी मैं 4 वर्ष जो बैचलर इन एलिमेंटरी एजुकेशन कोर्स करेंगे देन प्लस टू कि फोर इयर बीए बीएड कि बीएससी बीएड ओके देन आसला ग्रेजुएशन विथ एटलिस्ट 50% मार्क एंड 1 year बीएड इन स्पेशल एजुकेशन यदि 1 year बीएड आप स्पेशल एजुकेशन करछन देन आप एलिजिबल हो पारे नेक्स्ट देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन करछन पीजी करछन विथ मिनिमम 55% मार्क और इक्विवेलेंट ग्रेड इन द 3 years इंटीग्रेटेड बीएड एमएड जो इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कर वर्ष तो से कौन ना पीजी पर दरकार एलिजिबल एंड ओटीटी पेपर टू पास कर दरकार एंड ओडिया लांगुएज आपको जहाँ जो प्राइमरी क्लास 1 to 5 जहाँ कही सेम जिन सो जो मैंने उर्दू बेंगली स्कूल पढ़ाया चाहते उर्दू बेंगली सर्टिफिकेट थी दरकार हायर सेकेंडरी पर्यंत टेन्थ क्लास पर्यंत एचएससी स्टैंडर्ड पर्यंत हाईस्कल सर्टिफिकेट पर्यंत आप ंगुएज पढ़ी दरकार एंड से लांगुएज पढ़ी ना से टेन्थ क्लास मार्कसीट रिफ्लेक्ट कर सो नेक्स्ट आसा जो मैंने पर्सन विथ डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन जो मैंने करीएड इन स्पेशल एजुकेशन करते कौन ना आफ्टर आपइंटमेंट एंड एनसीटी रिकग्नइज 6 month स्पेशल प्रोग्राम इन एलिमेंटरी एजुकेशन जो मैंने स्पेशल एजुकेशन कर 6 months रोटे ब्रिज कोर्स करेंगे जो थे आपने एलिजिबल हे आपइंटमेंट पर देन रिलैक्सेशन ऑफ 5% ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क सो जहाँ भी क्वालिफाइंग मार्क्स अच्छी 50% जो अच्छी 45% एंड जो 45% अच्छी 40% शैल बी अलाउड टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरी सच एज एससी एसटी एससीबीसी एंड पीडब्ल्यूडी ओके एंड ए रिलेटेड इनफर्मेशन आम नोटिफिकेशन आउ टे क्लारीटर सहित पापर जेहतु गैजेट ये गैजेट को लेकिन से किसी डेरिवेटिव्स भी बाहर करेंगे या डिराइव करके किसी एक्सट्रा जो अंडरस्टैंडिंग में एक्स्ट्रा डाटा भी किसी देवे सो कैंडिडेट्स कैन अप्लाई इन कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 सो ये गोटे बड़ जिन कहुई कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2
टू किंबा बोथ, तो जो कैटेगरी वन अप्लाई करवा कैटेगरी टू अप्लाई किंबा बोथ भी अप्लाई कर जो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अच्छी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने पास कर एलिजिबल बोथ को अप्लाई करेंगे सो इरिकवेबल ओके ऑप्शंस ऑफ प्रेफरेंस सो से प्रिफरेंस दे पारे जे फर्स्ट प्रिफरेंस क्या दे प्राइमरी को कि अपर प्राइमरी को एंड बोथ ओके जिते सबमिशन टाइम ऑप्शन मिले जो आपको पोस्ट अप्लाई करा चाहते कैटेगरी वन कैटेगरी टू कि बोथ ओके देन एक्सप्लेनेशंस सो एक्सप्लेनेशंस कौन देखिए फॉर द पर्पज ऑफ इक्विवेलेंस इन हायर सेकेंडरी जो इक्विवेलेंस आप देखिए एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट डिप्लोमा जो मैंने करिछन्ति कोथरे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग से मानको इक्विवेलेंट प्लस टू कैटेगरी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट दिया होछि सेमि जो मैंने ग्रेजुएशन करिछन्ति बीटेक वाला को यूजीसी भी तांको दे दोछि से मैंने इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन सो फॉर द पोस्ट ऑफ डिग्री इन टीचर एजुकेशन बीएड डिग्री ऑफ अदर यूनिवर्सिटी डिक्लेयर इक्विवेलेंट विथ कॉरेस्पोंडिंग डिग्रीज ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ ओडिशा and a course recognized by NCT shall be considered jo jinsa apan kohutile so se mane equivalent certificate kemiti provide mane provide karibe na OTP RMS certificate se mane show kar pare je eta e se mane jo organization padichante ba outside odisha jo organization padichante sei organization ta valid boli and se NCT guidelines follow karuchi boli for the purpose of 2 year diploma in education ba special education जोटा कि एक कोर्स रिकॉग्नाइज बाय रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बा आरसीआई शैल बी कंसीडर्ड से सो एक कोर्स जे करथिबा से कोन निजो को रजिस्टर करथिबा दरकार जोथमे विथ आरसीआई बा रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया रे से निजो को रजिस्ट्रेशन करथिबा दरकार एप्लीकेशन सबमिशन करले बेले सो कैंडिडेट्स पोजेसिंग एकेडमिक एंड ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन आउटसाइड ओडिशा शैल हैव टू प्रोड्यूस authenticated proof of equivalency authenticated equivalency se jo jinsa ta apanu kahi chi and affiliation to the institution to a recognized university and recognition of such training courses and institution by NCT so recognition apanu kemiti milibo OTP RMS certificate okay so OTP RMS certificate nihati important so samaste jo man diploma city karichanti odisha bitare simana bai darkar nahi but still then jehetu miluchi free re kahi ki apply na kare de apply kare de thantu एंड जब रिजेक्ट हो मतलब कमेंट सेक्शन में कहुत रिजेक्ट सॉल्यूशन हो पारे कर ट्राई करिया सो कैंडिडेट्स फर्निशिंग सर्टिफिकेट्स मार्कशीट्स विथ ग्रेड्स एंड ग्रेड पॉइंट्स शैल हैव टू प्रोड्यूस ए फर्निश नॉमेरिकल इक्विवेलेंस ऑफ ग्रेड्स एंड ग्रेड पॉइंट्स सो नॉमेरिकल इक्विवेलेंस ताकु भी दबाकु पड़ेगा जो मैंने ग्रेड जो सीजीपीए थाए एतिक पॉइंट एतिक ओके टेन्थ जमी थे सीबीएसई परसेंटेज कैलकुलेशन हुए 9.5 10.5 सो 10.5 तो कभी हुए नहीं 9.5 8.1 ये बड़ा जो मार्किंग आसे से इंस्टॉल से मैंने नॉमेरिकल इक्विवेलेंस से कन्वर्ट करेंगे एंड सेट ऑफ सबमिट करेंगे इन केस ऑफ कंपार्टमेंटल एग्जाम जो मैंने कंपार्टमेंटल एग्जाम रे क्वालिफाई कर जो मैंने फास्ट फेल होती देन सबमिट कर री एग्जामिनेशन दे कि पास कर फेल मार्क को फास्ट एक्सक्लूड कर जो मार्क सिक्योर करते देन जो नुआ मार्क रखी थे टोटल मार्क आड करा जीवो ओके देन तापर आपण को माने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखा जीवो जे आपण परसेंटेज ऑफ मार्क्स को क्रॉस करछन कि नाही देन कैंडिडेट्स शैल नॉट बी बिलो 18 इयर्स सो कैंडिडेट्स बिलो 18 इयर्स न होइथिया दरकार एंड 38 इयर रो अधिक न होइथिया दरकार सो 38 वर्ष मिनिमम मैक्सिमम 18 वर्ष मिनिमम एंड 38 वर्ष मैक्सिमम किंतु तापर भी एज रिलैक्सेशन अछि को माने बाय ना एससी एसटी ओमेन एससीबीसी एंड पीडब्ल्यूडी एमानों में एज रिलैक्सेशन अच्छी अपर एज लिमिट लोअर एज लिमिट रिलैक्सेशन के न था सो एससी एसटी ओमेन एंड एससीबीसी 5 वर्ष किंतु पीडब्ल्यूडी 10 वर्ष एंड जो मैंने एक्स सर्विसमैन से जहाँ रेगुलेशन अच्छे डिफरेन्ट कैटेगोरी ऑफ कैंडिडेट डिफरेन्ट नेक्स्ट देखा गोटे सेकेंड ओके गवर्नमेंट By notification may allow specific group or category of candidates to avail age relaxation if considered appropriate. So government अभी किसी regulations हुई से जब चाहे वो कहाँ को add करें अपने से मैंने age relaxation करे ही पा रहे हो. So reservation कौन रहेगा? Reservation कैसे दिया हो? ना the Odisha reservation vacancies, post and services. Okay rule. अच्छा. So reservation कैसे दिया? Reservation of vacancies for women and
पब्लिक सर्विसेस एंड सच दैट। तो आपण मानकर एठी कैटेगोराइज कैटेगोरी वाइज रिजर्वेशन आसो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैविंग टेम्पररी डिसेबिलिटीज। सो जो मैंने टेम्पररी डिसेबल अच्छा टेम्पररी डिसेबल सर्टिफिकेट पाई से मैंने एंगेजमेंट सेटा अलाउ कर कैटेगोरी अप्लाई मैंने एलिजिबल हेबेनि पोस्टिंग किंतु से मैंने एज रिलैक्सेशन अभेल करें एज रिलैक्सेशन अभेलेबल करें कैंडिडेट्स दोज विल अभेल द रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एज लिमिट। ओके सो एज लिमिट रे बट इट क्लियरली मेंशन कराई द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैविंग टेम्पररी डिसेबिलिटी शैल नॉट बी एंटरटेन फॉर एंगेजमेंट। ओके नेक्स्ट देखिबा कैंडिडेट्स अंडर रिजर्व कैटेगोरी अवेलिंग रिलैक्सेशन ऑफ एज क्वालिफाइंग मार्क्स शैल नॉट बी शैल बी कंसीडर्ड अंडर द सेम अंडर द अंडर दियर सोशल सोशल कैटेगोरी ओनली। सो आपण एठी देखि पारथि जे जो कैंडिडेट रू जे बिलंग करथि सपोज जणकर 38 वर्ष 39 वर्ष हो जाइछि देन से कौन कर अप्लाई करछि एससीबीसी कैटेगोरी रो अछि अप्लाई करछि देन से केवल एससीबीसी कैटेगोरी रो पोस्ट नै पारे से ईओआर कैटेगोरी रो पोस्ट नै पारिबो नाही। देन आसले पब्लिकेशन ऑफ मास्टर लिस्ट। सो पब्लिकेशन ऑफ मास्टर लिस्ट केमि पब्लिश करा जीवो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लास्ट डेट परे ऑनलाइन सबमिशन लास्ट डेट परे गोटे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ईच कैटेगोरी एंड देयर फास्ट प्रेफरेंसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट से फास्ट प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट भी शो करा जीवो ओसेवा वेबसाइट रे एंड अदर प्रेफरेंस देखा जीवो बट ए जिसोडा काहे की कहिला आपण माने परे बुझि परियो जे एक्चुअली जिसोडा कोण जे कहें कि ओनली फास्ट प्रिफरेंस शो कर एंड अदर प्रिफरेंस को जन सर्च करके देखिपर देन आम देखा जिते मेरिट लिस्ट प्रिपेरेशन हम से देखा चेक कर तार डिटेल्स कौन अच्छी। सो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फास्ट ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किए कंडक्ट करेंगे आपड़ जानते हैं नोटिफिकेशन कही आम भिड मध्यम जनईचु जे एडसिल कंपनी एग्जाम कंडक्ट कर। सो डिस्ट्रिक्ट व्वज एंड कैटेगोरी व्वज ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हम। सो डिस्ट्रिक्ट व्वज एंड कैटेगोरी व्वज ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड इन ओसेवा वेबसाइट। ओके सो ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर टेकिंग टू कंसीडर ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट प्रिफरेंसेस सबमिटेड बाय इंडिविजुअल कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रिफरेंसेस सो फॉलोड बाय मेरिट रैंक दैट इज फॉर ए पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल कैंडिडेट्स हैविंग फास्ट प्रिफरेंसेस सबसिक्वेंट प्रिफरेंस विल बी कंसीडर्ड ता अर्थ है आपण माने जो फास्ट प्रिफरेंस देइछन्ती बस सब कैंडिडेट को फास्ट कैलकुलेट करा जीवो जहाँ फास्ट प्रिफरेंस दिहाई समस्त देखि दिया जीवो जे कौन अच्छी फास्ट प्रिफरेंस। सपोज आम देखा जमीक जड़े स्टार्टिंग आम देखा जड़े मार्क रखी कटक डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट टू लास्ट मयूरभंज से एंड कर। ओके सो सपोज जो मैंने कटक डिस्ट्रिक्ट फास्ट देखीद कौ मैंने कटक डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर सेकेंड देखीद ढेंकानाल कौ मैंने जाजपुर कौ मैंने कंधमाल कौ मैंने कोरापुट कौ मैंने मयूरभंज कौ मैंने मलकानगिरी कौ मैंने तो सब डिस्ट्रिक्ट कैटेगोरी व्वज देखीदे जो मैंने अप्लाई से डिस्ट्रिक्ट से रैंक डिसाइड कर सपोज आपण मान मानते जब कह सपोज आप कटक डिस्ट्रिक्ट 50 पोस्ट अच्छे देन आप कौन करेंगे जदि 50 जन फास्ट प्रिफरेंस देखा कटक रिला देखा केवल जे सेकेंड प्रिफरेंस दिखाई केवल कैलकुलेशन करना कहीं आपर रैंक वाइज मेरिट लिस्ट बाहर नहीं जो मैंने धर आप कटक डिस्ट्रिक्ट अप्लाई करदे आप फास्ट प्रिफरेंस कटक डिस्ट्रिक्ट अच्छी देन कटक डिस्ट्रिक्ट फास्ट 50 पिला एंड कैटेगोराइज वाइज एम वर्टिकल जो वर्टिकल रिजर्वेशन हुए मुझे आउ गए भिडियो कहीदेवि वर्टिकल रिजर्वेशन कौन होराइजनटल रिजर्वेशन कौन से विषय डिटेल्स मुझेदेवि एंड वर्टिकल रिजर्वेशन आपर पोस्टिंग पाइबे बट फास्ट 50 देन आपर सेकेंड प्रिफरेंस को सेत काउंट कर सब गुड़ाक सरीज वन्स सब डिस्ट्रिक्ट सरीज जमी ढेका सरला देन ढेकाना स्टार्ट हे ढेकाना फास्ट प्रिफरेन्स पाला भितर जो मैंने फास्ट रखी। ओके फास्ट 40 पोस्ट अच्छे सो फास्ट 40 पोस्ट भितर आपने देखिपर जो मैंने रही पाइबे से सेकेंड प्रिफरेन्स को जो मैंने तले रही गले सेकेंड प्रिफरेन्स को प्रायोरीटी दिजिव ना। सो ये बहुत ही बड़ मानते लॉटरी सिस्टम हो गला कहीं थर सपोज गोटे डिस्ट्रिक्ट अधिक पोस्ट बाहर सपोज बाहर मयूरभंज अधिक पोस्ट बाहर कि आप कलाहांडी अधिक पोस्ट बाहर सब पिला से अप्लाई करदे किंतु फेयर एज गोटे डिस्ट्रिक्ट कटक डिस्ट्रिक्ट से अधिक कटक जो बेसी पे अप्लाई करेंगे दरकार बेले जगह पोस्ट वैकेंट पड़ जा
କାହିଁକିନା ସେ ଜାଗାରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆପ୍ଲାଏ ବହୁତ ହି କମ୍ କରିଛନ୍ତି। ସୋ କିଛି କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ ଏଇ ବିଷୟରେ, ମାନେ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଲକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବେ, ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମନକୁ ଆସେ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ବଟ୍ ମୁଁ ଆଇ ହୋପ୍ କି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଯାଇକି ଓସେବା ସହିତ କନସିଡର କରନ୍ତୁ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 4,000 ପୋଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ଲଗ୍ ରହିଯାଇଥିଲା, ଯେମିତି ଆପଣ ICST ପୋଷ୍ଟର 4,000 ପୋଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ଲଗ୍ ରହିଯାଇଥିଲା। ସୋ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନ ହଉ, ପିଲା କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ପାଆନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟିଚର ପାଆନ୍ତୁ। ସୋ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଏ ଟାଏ, ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଟାଏ ହେଲା, ଦେନ୍ ମୋର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଅବଟେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ମାର୍କ ବା ଇଣ୍ଟର ଏସି ମାର୍କସ, ଇଣ୍ଟର ଏସି ମେରିଟ ଅଫ୍ ସଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସାଲ୍ ବି ମେନସନ୍। ଓକେ, ସେ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଯାହା ଟାଏରେ ସ୍କୋର କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଖାଯିବ, ଯେମାନେ ଯେ ହାୟର, ଓକେ, ଓଲ୍ଡର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ, ଯଦି ସେମାନେ ସେଟା ବି ସମାନ ହେଲେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କସ ଇନ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ, ଓକେ, ଦେନ୍ ଯଦି ସେଟା ବି ସମାନ ହେଲା ଦେନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ଦେନ୍ ସେଟା ବି ଯଦି ସମାନ ହେଲା ଦେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ତର ଟ୍ରାଏଲ୍ କଏନ୍ ଟସ୍ ବି କରିଦେଇପାରେ। ସୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ସେ କହୁଛି ଫର ଏଇଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛି ଏଇ ପୋଜିସନଟାକୁ, ଯେ ଫର ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ପୋଷ୍ଟ ଇନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରି ୱିଦିନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ରିଫର୍ଡ ଓଭର ମେରିଟ୍। ସୋ ଆପଣ ଯେତେ ମେରିଟ୍ ଥାନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ, ସୋ ସପୋଜ ଯଦି ସେ ଦେଖିବ କ'ଣ ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଧର କଳାହାଣ୍ଡିରେ 80 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ନା, ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେଉଁ ଜଣ କେତେ ଜଣ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପକାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବନିଯିବ। ଓକେ, ସୋ ସେମାନଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ ବାହାରିଯିବ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଳାହାଣ୍ଡିରେ କେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ସୋ କଳାହାଣ୍ଡି ସିନା ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନକୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ। ସୋ ସେମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୋ ଆପଣମାନେ ବି ଆୱେର, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଉପରେ ଆୱେର ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରିଗାର୍ଡିଂ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ନା, ଦେନ୍ ଆସି କୌଶଳ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବା, ଆଇ ଥିଙ୍କ ପର୍ସନାଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଏହାଦ୍ୱାରା ମେରିଟିୟସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯଦି ଆପଣ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ, ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ କଟକ ବାଲେଶ୍ୱର ଯୋଉ ମାନେ ନର୍ମାଲି ଯୋଉଠି ଅଧିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକରେ ଅଧିକ କଟକ ଯାଏ, ଆପଣ ଯଦି ନର୍ମାଲି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଯାଜପୁର ହେଲା ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକ କଟକ ଯାଏ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେବଳ ମାଡ଼ ପିଠ ହେବେ, ଏଠି କ'ଣ ନା ହୋମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇନି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଠି ହୋମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇନାହିଁ, ଏଠି ସେମାନେ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚାହିଁବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମେ ବି କିଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅଧିକ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ, ମେ ବି ମାଲକାନଗିରିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଜବ୍ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଆସିଯିବ ନା, ଯେ କିଏ କମ୍ପିଟିସନକୁ ପ୍ରିଫର କରିବ। ଓକେ, ଯାହା ପାଖରେ ଅପସନ୍ ଥିବ ସେ କମ୍ପିଟିସନକୁ ପ୍ରିଫର କରିବ, ବଟ୍ ଯାହାର କମ୍ପିଟିସନକୁ ପ୍ରିଫର କରିବାର ନାହିଁ ସେ କ'ଣ ଚାହିଁବ, ସେଫ୍ ଅପସନ୍ ଚାହିଁବ। ତେଣୁ ସେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ସୋ କାହା ପାଇଁ ସେଫ୍ ଅପସନ୍ ନୁହଁ, କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲା ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ, କେଉଁ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ତ ପିଲା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯାହାହେଲେ ସଫର ହେବେ, 2-4ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲା ସଫର ନିହାତି ହେବେ। ସୋ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ, କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଓସେବା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ଲିଅରଲି ମେନସନ୍ ହେଇଥିବ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ହାର୍ଡ କପି ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମେନସନ୍ କରିବେ। ସୋ ଡ୍ୟୁରିଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ, ଇଫ୍ ଏନି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ନଟ୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଇନ୍ ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଅର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଚର୍, ଦେନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରି, ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ଆକାଡେମିକ ଟ୍ରେନିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ଆର୍ସିଏଲ୍, ଆର୍ସିଆଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଯଦି ଏଇଗୁଡ଼ା କେହି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ତା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରୁ ବା ସେଇ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ସିଲେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରୁ ଦେନ୍ ତା ନାଁଟା ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଆଯିବ। ଦେନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ରୁଭାଲ। ସୋ ଦେନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବନାଯିବ, ଦେନ୍ ତାର ଆପ୍ରୁଭାଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ବା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯିବ। ସୋ ତାର ଆପ୍ରୁଭାଲ ଟାଇମ୍, ଦେନ୍ ପବ୍ଲିକେସନ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଫାଇନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଫାଇନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେବ। ଦେନ୍ କାଉନ୍ସେଲିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରମୋସନ ବା କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ, ସରି ପ୍ରମୋସନ କହିଦେଲେ, କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇବେ। ଦେନ୍ ଭ୍ୟାକାନ୍ସିଜ୍ ମେ ରିମେନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଅନାଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ, ରିଜେକ୍ସନ ଅର୍ ନନ୍ ଜଏନିଂ ୱିଲ୍ ବି କ୍ୟାରିଡ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍ ସବସିକୁଏଣ୍ଟଲି ଆଜ୍ ପର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ସୋ ଦେୟାର ୱିଲ୍ ବି ନୋ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ। ସୋ ଯଦି କେଉଁଠି ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ବଳକା ରହିଗଲା, ଦେନ୍ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ସବସିକୁଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ହେଇଯିବ, ଯେମିତିକି ସେକେଣ୍ଡ ମିଳୁ ଥା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ସରିଗଲା ପିଲାମାନେ ପାଇଲେନି, ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରିଫରେନ୍ସକୁ ଦେଖାଯିବ, ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ ଯେ କେଉଁମାନେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହିସାବରେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରାଯିବ ଯେ ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ମାର୍କରେ ସେମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ପୁଣି ସୋ ଏଥିରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ମାନେ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପାଇବେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପାଇବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ମେରିଟ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ତଳ ରାଙ୍କ, ଯଦି ଉପର ଡାଣ ହବ ତଳ ରାଙ୍କ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତଳ ରାଙ୍କ ହିସାବରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା, ଅଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସିଟ୍ ଫିଲ୍ ଅପ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ଓକେ, ସେତେବେଳେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟ ବି ଗଲା, ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ ଲିଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପୁଣି ଫିଲ୍ ଅପ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଦେନ୍ ସେ ଲିଷ୍ଟ ବି ଗଲା।
ओके सो एंगेजमेंट एंगेजमेंट ऑफ जूनियर टीचर जोटा कि सिलेक्ट लिस्ट फॉर ईच रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट विल बी वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर सो 1 ईयर जो मैंने सिलेक्ट होती से 1 ईयर पर्यटन वैलिडिटी रहे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट और टिल एक्सेप्शन ऑफ वैलिड मेरिट लिस्ट और टिल पब्लिकेशन ऑफ नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर सो मैक्सिमम 1 ईयर पर्यटन रही है किंबा ता भीतर आपण पोस्टिंग पाई परिबे पाइबा दरकार जे ता भीतर पोस्टिंग न पाइले से जिनसडा भी रिजेक्ट हे जो फर्स्ट टाइम ए जिनसडा मु देखु छी एमती दुनिया रे सो ऑर्डर ऑफ एंगेजमेंट शैल बी इश्यूड बाय जिला परिषद थ्रू इट्स सीईओ सो तार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को द्वारा एंगेजमेंट रो एंगेजमेंट इश्यू हबो ऑर्डर इश्यू हबो देन एंगेजमेंट एनुअल एग्रीमेंट प्रतिवर्ष एनुअल एग्रीमेंट करिवे एग्रीमेंट विल बी रिन्यूड ऑन सब्सिक्वेंट इयर्स डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स आपको परफॉर्मेंस पर भैरी कर सो प्रायर टू रिन्यूअल ऑफ एग्रीमेंट ऑफ जूनियर टीचर स्कीमेटिक सो आप बहुत ही सब सारे जिन मेंटेन करेंगे आप आर्टिकल 19 जिन आपको सो ये जहाँ लिखाई आर्टिकल 19 कौन आप न जानते हैं गूगल सर्च करेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जो जूनियर टीचर स्कीमेटिक हैज टू ऑब्टेन ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न्ड हेडमास्टर रिगार्डिंग हिज और हर रेगुलर अटेंडेंस एंड सैटिस्फैक्टरी सर्विस व्हिच टू बी प्रोड्यूस बिफोर जिला परिषद नेक्स्ट देखा जो जूनियर टीचर स्कीमेटिक कैन बी ओके असाइनमेंट्स कौन है कैन बी डिसएंगेज्ड फ्रॉम सर्विसेस विद ए प्रायर नोटिस 30 डेज 30 दिन प्रायर नोटिस दिया जाए आपको जे काईक आपको बाहर कराने चाकर करेस्ट कहते सो आपको कहीं बाहर इफ सी वायलेट्स द कंडीशन ऑफ एंगेज एग्रीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्स रिपोर्ट ऑफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सो बीईओ सर जब आप खपा हेले अनऑथराइज्ड एब्सेंस मिसकंडक्ट और इनवॉल्वमेंट इन क्रिमिनल केसेस देन आपको चाकर निष्कासित कर असाइनमेंट द जूनियर टीचर रिक्रुटमेंट से कौन कौन स्कीमेटिक मान कौन कौन परफॉर्मेंस फॉलो कर ड्यूटी कौन रहा जे से प्राइम फोकस मेन ड्यूटी रहा पाठ पढ़ा टीचर मैंने पाठ पढ़ा ही दरकार सो टीचिंग इन स्कूल शैल बी द मेन ड्यूटी ऑफ द टीचर तापर से कौन करेंगे दे मस्ट मेंटेन रेगुलरिटी रहा दरकार एंड पंक्चुअलिटी इन अटेंडिंग स्कूल दे मस्ट एनश्योर कंप्लीशन ऑफ एंटायर करिकुलम विद इन स्टिपुलेटेड टाइम सो करिकुलम आपने स्टिपुलेटेड टाइम भर सारे चेस्टा करेंगे असेस द लर्निंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट इच चाइल्ड एंड अकॉर्डिंगली ओके देन नेक्स्ट देखा दे मस्ट एनश्योर मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग आज स्टूडेंट स्पेसिफाइड इन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ओके सो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग जहाँ भी गोटे स्टूडेंट अच्छे से जिस गोटे छुआ पाइपे कि ना मदर इंडिया लांगुएज तुम एम आई एल हो कि मैथ हो ये जिस गुडा कैसे सेने जितकी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग दरकार से जिनसा अचीव करते कि ना दे मस्ट एनश्योर आटलिस्ट 90% अटेंडेंस सो आप 90% अटेंडेंस निहाती दरकार आपंकर नुह एनश्योर करेंगे आप चिल्ड्रेन रे छुआटा 90% दिन स्कूल आसन दे शैल रिड्यूस द ड्रॉप आउट सो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जमी ड्रॉप आउट चिल्ड्रेन न रुहती ओके देन दे शैल मोटिवेट द पेरेंट्स एंड गार्डियंस भाई रे केते ड्यूटी so they shall motivate parents and guardians of the village in which primary school is situated for enrollment of children within the age group of 6-14 so apana badhya karibe ni motivate karibe kemiti government school asi ki pila patha padhibe okay so quality of education apana dabaku padibo it shall be his or her duty to contact parent and guardians duty lekhai chi so karibaku padibo parent and guardians in case of children fail to attend classes regularly and get back such children to the class so jodi miss karuchi then taku class ko aniya they will hold regular meetings with parents and guardians and assess them about the regularity in attendance ability to learn progress made in learning okay then they shall abide by the policy of rationalization of teachers of the government as issued from time to time just rationalization of teachers mane apan transfer hebo thara eithi kone teacher nahi na apanku टीचर से निजाई पार दे सल परफॉर्म द ड्यूटीज आज विल बी इंटरेस्टेड अपॉन बाय हिम और हर कंसर्न्ड हेडमास्टर एंड हेडमिस्ट्रेस सो हेडमास्टर किंवा हेडमिस्ट्रेस जहाँ ड्यूटी देवे आपको भी करा पड़ेगा दे मे बी असाइड एनी अदर वर्क फर्दरेन्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ओके यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन आर टी एक्ट बाय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद सो आप जहाँ भी ड्यूटी दिया जाए मेनली आप करेंगे से गुडाक सो आप किसी ये करेंगे ना आपको करवाक पड़ा
The junior teacher, the date, the data in newly recruited junior teacher would be recorded in the respect in the teacher profile. Then consolidated monthly consolidated remuneration as decided by the government. एते सारा काम माने निहाती टंका 50,000 मिलिव आपण मन को बोथे आई थिंक मजा करू छी. सो आपण कोन रेमुनेशन मिलिव अराउंड 11,300 रुपीस बोथे पर मंथ मिलिव. एते सारा वर्क लोड एते सारा काम देन आपण मंथली मंथ एंड रे 11,300 मिलिव. सो आपण माने स्ट्राइक करिये परे ता परे जे आपण केमिति रेगुलर करा जीवो. सो जो जूनियर टीचर वुड अटेंड ट्रेनिंग प्रोग्राम एज मे बी फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. द एंगेजमेंट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल एग्रीमेंट. सो आपण को एनुअल एग्रीमेंट करेंगे एंड आपण कौन एनुअल एग्रीमेंट से सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस दे पारे सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस आप देखे आप एनुअल एग्रीमेंट हम. सो आप वर्ष को इम्पोर्टेंट है वर्ष को 15 कैजुअल लीव मिल इन ए ड्यूरिंग ए कैलेंडर ईयर. देन सरीगला जदि आप 15 दिन पर 45 दिन एक्स्ट्रा लीव नहीं पारे 30 दिन एक्स्ट्रा लीव नहीं पारे बट तापर को जो एक्स्ट्रा लीव नौ अनऑथराइज बोली कैलकुलेट कर एंड आप जो 3 वर्ष रेगुलर मानते जूनियर टीचर हवा कथा तीन वर्ष 45 दिन पर जैसे दिन एक्स्ट्रा छुट्टी ना से दिन पर काउंट हम एंड से दरमा आप घटो से प्रोपोर्शनेट सैलरी आप घटो. सो ये भिडियोटा एंड कल सका मुझे अफिस् जा एंड किछटा इश्यू नहीं कि जो जिनसा कि जमी मुझे प्राइमरीली जाऊँगी सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट वाइज नह स्टेट वाइज हवा दरकार सो दैट कि मेरीटियस स्टूडेंट जो मैंने प्रिपेरेसन कर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट पोस्टिंग पाइबे एंड गोटे गोटे न्याय हम गोटे न्याय दृष्टि पोस्टिंग जो जिनसा फेयर फेयर फर्म अफ एग्जामिनेशन हम जमीक आप भावे डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट केमी हेनी केमी स्टेट वाइज हम प्रिभसली नर्सींग आसीस्टाट है कि प्रिभसली जो कंबाइंड रिक्रुटमेंट एक्जामेसन होता है ओएसएससी द्वारा से कौन ना स्टेट वाइज सिलेक्शन होता है डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट. सो आप जो मैंने चाहते कि जे स्टेट वाइज सिलेक्शन हूँ हाउ से भिडियो को सेयर करूँ एंड बहुत पाला पहुँचात आज जो मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन हो बोली चाहते से भिडियो को लाइक कर दिंतु एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एंड सब इम्पोर्टेंट जिनस है या जे आम जूनियर टीचर पर क्लासेस एमसीक्यू बैच लॉन्च करूँ एंड तार डिटेल्स आप बैच रिलेटेड डिटेल्स मुझे जस्ट गोटे स्लाइड देखा भिडियो स्किप न करूँ. जस्ट गोटे मिनिट. सो बैचेस सो अराउंड 25,000 एमसीक्यू आप देखते 25,000 एमसीक्यू ऑलरेडी गोटे मस क्लास स्टार्ट जुलाई रु एमसीक्यू बैच स्टार्ट अराउंड 4,000 क्वेश्चन तो गला भारी ग्रुप को. सो पे प्रिपेरेसन कर प्राक्ट कर गोटे मक टेस्ट अलरेडी सरीगला चैप्टर वाइज मक टेस्ट दिखाई चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिखाई चैप्टर वाइज पेडागोजी एमसीक्यू विल भी प्रोभाइड कर जो आप सब्जेक्ट वाइज पेडागोजी भी प्रोभाइड कर. सो एंड ए बैच टा टिल आप कंप्लीशन अफ एक्जामेसन प्रतिदिन 150, 130, 140 अराउंड क्वेश्चन दि जा 140 अराउंड क्वेश्चन दि जा डिफरेंट चैप्टर्स रु. सो जो थे कंप्यूटर भी कवर हम इंग्लीश कवर हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स आम सब कवर कर मॉक टेस्ट कंडक्ट कर मोस्ट इंपोर्टेंट जिस अगस्ट 27 दिन अगस्ट 27 मॉक टेस्ट कंडक्ट कर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल आप्लिकेसन आप प्ले स्टोर डाउनलोड करेंगे एंड एग्जाम्पल आप अगस्ट 27 दिन मॉक टेस्ट दे पारे एंड आप डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक भी पाइपे स्टेट वाइज रैंक भी पाइपे. सो थैंक्स फॉर वाचिंग कीप सब्सक्राइबिंग जब वीडियो टी पसंद लगी था देन लाइक करूँ एंड चैनल को सब्सक्राइब करूँ एंड जब आप सांग को ये इनफर्मेशन देवा चाहते देन सांग सेयार कर दिखाँ स्टेटस पकई दिंटू ओके जमी कह डाउट रही. सो थैंक्स फॉर वाचिंग कीप सब्सक्राइबिंग.